नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपना बुफे के लिए बनाने जा रहे हैं कांदारी मुरुक टिक्का। कांदारी मुरुक टिक्का बनाने के लिए यहां पर देख रहे, मैंने लिया है चिकन लेग बोनलेस। देख रहे चिकन लेग बोनलेस को मैंने टिक्का शेप में अच्छा से कटिंग कर लिया है। तो चलो चिकन रेडी, अब लगाते हैं इसमें फास्ट मैरिनेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक लेना है और उसे पेस्ट बना के इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे नमक और साथ में ऐड करेंगे लेमन जूस। साथ में लेंगे थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया। ऐड करेंगे हाफ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर और साथ में लेंगे फ्रेश प्रोमोग्रेनेट जूस। ये देख रहे प्रोमोग्रेनेट जूस है, फ्रेश है। आपको फ्रेश जूस लेना है और इसमें ऐड करना है। साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल और आपको क्या करना है, इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है। और आपका जब चिकन फास्ट मैरिनेशन हो जाए तब प्रोसेस है कबाब बनाने का। मिनिमम एक घंटा के लिए आपको इसे चिल्लर में रखना है। दोस्तों, सेकंड मैरिनेशन का मसाला मिलाने के लिए फ्लैट वाला बर्तन। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हैंग कर्ड। आपको दही को अच्छे से कपड़ा में फिल्टर करना है और इसमें ऐड करना है हैंग कर्ड। नेक्स्ट ऐड करेंगे ब्राउन ऑनियन और फ्राई कैसुनेट। इसका देख रहे मैंने पेस्ट बना के पहले से रखा है, तो ऐड कर लेंगे ब्राउन ऑनियन और फ्राई कैसुनेट पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे चीज। आपको अमूल चीज लेना है और ग्रेट करना है और इसमें ऐड करना है। दोस्तों, नेक्स्ट ऐड करेंगे रेड चिल्ली पेस्ट। आप कितना क्वांटिटी का चिकन बना रहे हैं उसको देख के ऐड कर लेंगे रेड चिल्ली पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे नमक। मसाला का स्वादिष्ट अनुसार ऐड कर लेंगे नमक और साथ में ऐड कर लेंगे चाट मसाला, वो भी 1 स्पून। कस्तूरी मेथी पाउडर 1 स्पून। ग्रीन कार्डमम पाउडर 1 स्पून। ब्लैक कार्डमम पाउडर 1 स्पून। नटमेग पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ में ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच ड्राई प्रोमोग्रेनेट सीड पाउडर। यह अनार का सीड है, अनार सीड पाउडर ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच। रोस्टेड जीरा पाउडर 1 स्पून। नेक्स्ट ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे अच्छा से धीरे धीरे मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने मसाला को मिक्स कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। आपको सेम ऐसा ही मज़ेदार मसाला तैयार कर लेना है। तो मसाला रेडी, अब बारी है फास्ट मैरिनेशन चिकन का साथ इसे मिक्स करने का। लेकिन ध्यान रहे, मैंने फास्ट मैरिनेशन करने का टाइम पे इसमें अनार का जूस ऐड किया है। आप लोग कृपया करके इसे फिल्टर ना करें, क्योंकि ये चिकन अनार जूस में अच्छा से सोख होने का, इसके लिए मैंने 1/2 बॉल तक अनार जूस इसमें ऐड किया है। लेकिन आप लोग फिल्टर ना करें। और उसी चिकन का साथ आपको क्या करना है, इस मसाला को अच्छा से ट्रांसफ़र कर लेना है और इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग मिक्स करते हुए अगर आपका मसाला गीला हो जाए, क्योंकि अनार जूस है, गीला हो जाए, तब आप लोग चाहे तो इसमें थोड़ा सा बेसन फ्लावर, नहीं तो रोस्टेड चना दाल का पाउडर, नहीं तो भुना हुआ बेसन ऐड कर सकते हैं। इसका फ्री प्लेट करने के लिए लगाते हैं 1% कबाब। तो चलो, मैंने लिया है तंदूर का एक स्टिक। आज थोड़ा बहुत ही मोटा वाला लिया है, लेकिन आप लोग मीडियम वाला लेने का, ठीक है, मीडियम थिक स्टिक लेना है। और मसाले का साथ देख रहे, मसाले को ऐसे ही लगाना है
और चिकन को अच्छा से सीख में चिकन का बीचों बीच ऐसा ही लगाना है, देख रहे हैं ना कैसे चिकन। फिर दोबारा चिकन लेना है ऐसा ही मसाले का साथ लेना है, फिर दोबारा ऐसा ही सीख में लगाना है। अगर आपका चिकन में मसाला ना लगे तो आपको क्या करना है, ये जो साइड में जो मसाला है ना, ये मसाला ऐसे ही अच्छा से थोड़ा अप्लाई कर लीजिए। अब हम इसे तंदूर में ग्रिल करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है तंदूर में ग्रिल कैसा करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों यह है तंदूर, ढक्कन ओपन करेंगे, कबाब लेंगे, तंदूर का बीचों बीच ऐसे ही रखेंगे। ध्यान रखना है तंदूर हमेशा गर्म होता है, कभी भी देखो तंदूर में गर्मी ज़्यादा रहता है, तो आपको क्या करना है, लीड लेना है, तंदूर का ऊपर ऐसा डालना है और इसे टेम्परेचर स्लो करके अच्छा से ऑयल डन ग्रिल करना है। तो दोस्तों देख रहे चिकन हाफ डाउन ग्रिल, हाफ डाउन ग्रिल हो जाए तो आपको क्या करना है, एक नाइफ लेना है, चिकन को ऐसा बीचों बीच काटना है। देख रहे हैं इसमें क्या होता है, चिकन कुक करने के लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि ये चिकन पीसेस 50 ग्राम वेट में है, वो तंदूर में कुक करेंगे तो ना जल्दी काटता रह जाता है, तो इसके लिए आपको इसमें दाग लगाना है। तो देख रहे हैं चिकन पूरा अंदर से कच्चा है, तो हमको क्या करना है, इसे अच्छा से बटर ब्रश कर, तो अप्लाई कर लेंगे बटर और इसे 3 से 4 मिनट के लिए। तो दोस्तों इसको क्या करना है, आपको 3 से 4 मिनट के लिए हैंगर में हैंग करना है। देख रहे हैं चिकन से कैसा पानी निकल रहा है, आपको सेम चिकन का अंदर ऐसा पानी निकल जाएगा ना तो चिकन क्विकली कुक हो जाता है। तो 3 से 4 मिनट बाद आपको क्या करना है, दोबारा चिकन को लेना है और तंदूर में ऐड करना है, फिर दोबारा लीड डालना है और चिकन को अच्छा से ऑयल डन ग्रिल कर लेना है। देख रहे मैंने चिकन को फुल डाउन ग्रिल कर लिया, आप चलो बारी है प्लेट करने का। देख रहे हमारा यहाँ पर प्लेट तैयार है, आपको क्या करना है, चिकन को लेना है, हाथ से ऐसे ही घुमा लीजिए और गरम है यहाँ, आपको धीरे धीरे अच्छा से प्याज से निकालना है, देख रहे हैं ना, फिर दोबारा घुमा लीजिए अच्छे से निकालना है, दोबारा घुमाइए अच्छा से निकालना है। देख रहे आपको सेम ऐसा ही अरेंज करना है, लेंगे ऊपर से 2-4 प्रोमोग्रेनेट ऑलिव फॉर गार्निश के लिए।